आप सभी का नव भारती परिवार में स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर लेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टर्म समझाऊंगी, जैसे कि सबसे पहली टर्म है हमारी मोनोमियल, मोनोमियल ठीक है, मोनोमियल है। सेकेंड टर्म है बाइनोमियल, इसके बारे में हमने सुना भी होगा पहले कुछ प्रीवियस क्लासेस में। थर्ड टर्म है अपनी ट्राइनोमियल और फिर एट दी एंड हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले मैं आपको एक तीनों टर्म समझाऊंगी, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं मोनोमियल। मोनोमियल एक ऐसी मतलब मोनोमियल टर्म से हमें क्या पता चलता है, मोनो, मोनो मीन्स वन, यानी कि ऐसा हमारा एक तरह से इक्वेशन होगी जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, ओनली वन टर्म, मोनो मीन्स वन, ठीक है। तो यानी कि ओनली वन टर्म विल बी देयर। इन सेकेंड इट इज बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होंगी, बाय मीन्स टू, तो कितनी टर्म्स होंगी, टू टर्म्स। किसी भी एक इक्वेशन में या किसी भी हमारी एक्सप्रेशन में सिर्फ दो टर्म्स होंगी। थर्ड वाला आता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स थ्री, जैसे ट्राइंगल होता है हमारा, ट्राई मीन्स थ्री, ट्राइंगल होता है जैसे कि थ्री एंगल्स, ट्राई एंगल थ्री, इसकी क्या शेप का, क्या शेप का नाम क्या है, ट्राइंगल है, क्यों, क्योंकि थ्री एंगल्स सो ट्राइंगल इस तरह से बना हुआ है ये, ठीक है। तो ट्राइनोमियल, तो ये थ्री टर्म्स होंगी इस एक्सप्रेशन में। ऐसे ही पॉलिनोमियल में कितनी एक्सप्रेशन होंगी, पॉली मीन्स मोर देन थ्री और थ्री, मोर देन थ्री होता है बेसिकली पॉलिनोमियल में, क्या होता है मोर देन थ्री टर्म्स होती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल आप ऐसे कह सकते हो कि सिंगल टर्म वाला पॉलिनोमियल कौन होता है, मोनोमियल, दो टर्म वाला पॉलिनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल, थ्री टर्म वाला पॉलिनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पॉलिनोमियल के ऊपर फंक्शंस पढ़ेंगे और इनका भी कुछ कुछ यूज आएगा, तो इनको समझना काफी जरूरी है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अब हमारा जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं ये अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक ले लेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा एफ वन ऑफ एक्स इक्वल्स टू फोर एक्स प्लस टू, मैंने एक एग्जांपल ले लिया पॉलिनोमियल का, ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है। तो ये कोई भी पॉलिनोमियल किस फॉर्म में गिवन होता है, एक साइड तो इक्वेशन लिखी हुई होती है इक्वल टू, की दूसरी साइड में आपको एफ वन ऑफ एक्स, यानी कि एफ वन या फिर सिर्फ एफ भी लिखा हुआ हो सकता है और ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ हो सकता है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एफ ना हो, अगर यहाँ एक्स ना होता वाई होता, तो ये एफ वन ऑफ वाई लिखा हुआ होता है इक्वल्स टू फोर वाई प्लस टू। अगर के होता तो एफ वन या फिर एफ ऑफ वाई इक्वल्स, सॉरी के इक्वल्स टू, मतलब इसी तरह से जो वेरिएबल आएगा वो ब्रैकेट में उसी फॉर्म में लिखा हुआ होगा, ठीक है। जो वेरिएबल आएगा अपने पास, तो यहाँ पे जैसे कि x है, तो ये एक पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है लिखने की, ठीक है। ये पॉलिनोमियल को इस तरह से लिखते हैं हम। अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या समझेंगे, इसमें जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब मान लो मैंने सपोज किया लेट x इक्वल टू जीरो वन टू एक्सेट्रा, मैंने एक बार तो x की वैल्यू क्या मान ली, जीरो, एक बार वन मान ली, एक बार टू मान ली, ठीक है। सबसे पहला वाला केस है व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो, मुझे इस पूरी टर्म की मुझे वैल्यू चाहिए कि इस एफ वन ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए होगी, अगर जब तक मुझे एक्स की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक मैं इसको पूरा सॉल्व कैसे कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सपोज किया कि एक्स की वैल्यू वन टू या फिर थ्री है, तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो 4 इंटू जीरो प्लस टू, फोर जीरो जीरो, जीरो प्लस टू कितना होगा, टू आ गया हमारा आंसर। यानी कि f1 ऑफ x की एक बार तो वैल्यू क्या आ गई, यानी कि f ऑफ x की क्या वैल्यू आ गई, एक बार तो टू आ गई। दूसरी बार जब मैंने x इक्वल्स टू वन रखा तो 4 इंटू वन प्लस टू, फोर वन सा फोर प्लस टू कितना हो गया, सिक्स, एक बार सिक्स वैल्यू आ गई। और एक बार x की वैल्यू कितनी आई, ये x
एक्स की वैल्यू नहीं आ रहा है, जीरो है एक तरह से, हमने जीरो मान लिया। और एक बार क्या आ गई, फोर एक्स प्लस टू में हमने जब टू की टू पुट किया इसमें तो कितना हुआ, फोर टू सा एट, एट प्लस टू कितना हुआ टेन। तो ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आई है कि जब हमने एफ ऑफ एफ की जगह पे हमने यहाँ पे देखो, इधर मैं फिर से लिखती हूँ, एफ की जगह पे मैंने जब एक्स की जगह पे एफ ऑफ वन में जब मैंने एक्स की जगह जीरो माना तो एफ जीरो कितना आया, एफ जीरो की वैल्यू कितनी आई, एफ जीरो की वैल्यू आई टू, एफ वन की वैल्यू कितनी आई सिक्स, इसी तरह से एफ टू की वैल्यू कितनी आई टेन, एफ जीरो की टू, एफ वन की सिक्स, एफ टू की टेन। यानी कि इस तरह से हम जो ये वैल्यू निकालते हैं ये क्या होंगे, इस इक्वेशन के जीरोज होंगे। जीरोज का मतलब जीरो नहीं है इधर, जीरोज का मतलब है कि जब हमने इसके वेरिएबल, इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी जगह पे जब हमने अलग अलग वैल्यूज प्लेस करी है तो उसके क्या रिजल्ट आए हैं। जैसे कि मैंने जीरो प्लेस किया तो टू आया, वन प्लेस किया सिक्स आया, और ऐसे टू प्लेस किया तो टेन आया। तो ये क्या हुए, टू सिक्स और टेन क्या हुए, इस इक्वेशन के जीरोज। जीरो और जीरोज अलग अलग चीज है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरह से हम जीरोज निकालते हैं, इसका कई और तरीके होते हैं तो मैं अभी आपको वो सब पढ़ाने वाली हूँ। तो इसी टॉपिक को समझने के लिए मैंने एक और एग्जांपल लिया है, टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स। अब इसमें हम वही सब करेंगे, लेट एक्स इक्वल्स टू जीरो वन टू एक्सेट्रा। सबसे पहले जीरो पुट करके देखेंगे तो टू एक्स की जगह पे जीरो पुट करना है तो जीरो का स्क्वायर माइनस एट, एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे जीरो प्लस सिक्स, टू इससे मल्टीप्लाई होगा जीरो आएगा, ठीक है। जीरो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा जीरो आएगा, तो माइनस एट जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो आया, क्या आएगा आंसर, सिक्स आ गया। यानी कि एफ ऑफ जीरो की क्या वैल्यू आ गई, सिक्स। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है सिक्स। अब मैं एक्स की जगह पे वन पुट करूंगी, वेन एक्स इक्वल टू वन, तो एफ ऑफ वन कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो डायरेक्टली करते हैं, टू वन जो टू हो जाएगा, माइनस एट वन जो एट, देखो टू माइनस एट प्लस सिक्स कितना हो जाएगा, देखो माइनस जीरो आ जाएगा। एफ ऑफ वन कितना आ जाएगा हमारे पास, जीरो। देखो कैसे माइनस टू हो जाएगा, ये माइनस एट प्लस सिक्स कितना होगा माइनस टू, माइनस टू माइनस टू कितना होगा हमारे पास में, टू माइनस टू कितना होगा हमारे पास में, जीरो। तो ये एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी आ गई है, जीरो। अब इसी तरह से एफ ऑफ टू निकालेंगे, एफ ऑफ टू, ठीक है। यानी कि हमने एक्स की जगह पे टू पुट करा है तो क्या आएगा, टू मल्टीप्लाई बाय टू स्क्वायर माइनस एट इंटू टू प्लस सिक्स कितना होगा, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट माइनस एट टू जा सिक्सटीन प्लस सिक्स, तो माइनस सिक्सटीन प्लस सिक्स कितना होगा, एट माइनस टेन, माइनस टेन हो जाएगा। अब माइनस टेन प्लस एट कितना होगा, माइनस टू। तो एफ ऑफ टू की कितनी वैल्यू आई है, माइनस टू। अब इसमें क्या हुआ, अब हम क्या कह सकते हैं, हेंस सिक्स जीरो एंड माइनस टू आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स। पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें थ्री या मोर देन थ्री टर्म्स होती हैं, ठीक है, वो पॉलिनोमियल होता है, वो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो अब इसमें कितनी टर्म्स है, थ्री टर्म्स होते हैं, कैसा है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये इसके जीरोज होंगे। तो कहने का मतलब है जीरोज कैसे निकालते हैं, हम जो वेरिएबल गिवन है उसकी हम वैल्यू सपोज करते हैं अपने अकॉर्डिंग और जो आंसर आता है वो उसके जीरोज होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे अब, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे अपन। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर टू होती है, हाईएस्ट पावर इज टू, वो पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर टू है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम किसके बीच में रिलेशनशिप पढ़ेंगे, तो जीरोज के बीच में, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज के बीच में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप, और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चालू करते हैं, जैसे कि हम एक पहले जनरल फॉर्म ले लेते हैं, जनरल फॉर्म लेंगे, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमें जनरल फॉर्म दी हुई है। हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालते हैं, उसी तरह से हमने क्या सपोज कर लेंगे कि इसके फैक्टर्स क्या हैं। लेट द फैक्टर्स ऑफ अबव पॉलिनोमियल बी, क्या क्या मान लेंगे, एक्स माइनस एल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये मैथमेटिशियंस ने निकाला है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा ये क्या होंगे, सॉरी इनके बीच मैंने थोड़ा स्पेस रखना चाहिए था, एंड एक्स माइनस बीटा ये क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे। अब मैं एक एग्जांपल लूंगी, फैक्टर्स का एक एग्जांपल लूंगी समझाने के लिए कि ये फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड अभी कुछ नहीं है उसका, बस मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि किस तरह से फैक्टर्स निकालते हैं। तो एक एग्जांपल लूंगी मैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके निकालते हैं फैक्टर्स। तो मिडिल टर्म क्या है, टू एक्स, तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए इससे मल्टीप्लाई करने में, तो एट आए, और माइनस करने में क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस करने में कितना आए, टू। तो ऐसे कौन सा नंबर होगा, फोर टू सा एट और फोर माइनस टू टू। तो हम क्या कर लेंगे, इसकी जवाब में मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या लिख देंगे, फोर माइनस टू एक्स माइनस एट। अब एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस माइनस प्लस टू एक्स माइनस एट। अब इन दोनों को दो पार्ट में डिवाइड करके इनमें कॉमन ले लेंगे, हम कॉमन लेंगे, ठीक है। देखो अब इनमें यहाँ कॉमन है एक्स, क्या बचा फिर, एक्स माइनस फोर, इन दोनों में एक्स कॉमन है, उन दोनों में यह कॉमन है, टू एक्स टू कॉमन है, सॉरी सिर्फ, तो टू हमने कॉमन ले लिया, सॉरी ऐसा नहीं करेंगे, इसको एज इट इज इधर लिखो, थोड़ा इधर ही ऐसे हो गया। अब देखो ऐसे किस कौन सा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करें इस वाले टर्म को, एक्स माइनस फोर को, तो ये आ जाए, तो टू है, टू एक्स माइनस एट, फिर क्या हो गया, अब वापस से कॉमन लेंगे दोनों में, तो कितना क्या आएगा, एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस टू। तो ये दोनों क्या हो गए इसके फैक्टर्स, एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू, एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा। यहां एल्फा और बीटा कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर जेड, यहां एल्फा बीटा कोई भी इंटीजर हो सकता है, मैंने यहां लिखा है ना एल्फा एक्स माइनस एल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, तो ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये प्लस में भी हो सकते हैं, ये माइनस में भी हो सकते हैं, तो मैंने एक्स माइनस करके इस तरह से लिखा है। तो आप इधर एग्जाम्पल समझ सकते हो कि यहाँ माइनस फोर, यहाँ फोर और टू क्या है हमारे, एल्फा और बीटा है, समझ में आया, एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा दो फैक्टर्स आ रहे हैं। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हमारी इधर क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एट। तो एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए फैक्टर्स क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे और आगे इसके हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे इसका। तो देखो अब क्या होगा, जब मैं इसको एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके फैक्टर्स क्या है, एक्स माइनस एल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब यहां पे हमारा कोई भी एक कॉफिशियंट आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो लेट के भी तो कॉफिशियंट, के कॉफिशियंट मान लिया मैंने, यू ही मान लिया हमने, तो एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा। और मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, एफ एक्स की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी लिख सकती हूँ, जरा हम वो ही लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एफ एक्स लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी एक्स प्लस सी, क्योंकि हमारा क्या है, ये पॉलिनोमियल है, एफ एक्स की जगह पे मैंने एफ एक्स की वैल्यू रखती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अंदर ही मल्टीप्लाई करके इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके इंटरनली फिर कॉमन ले लेंगे हम। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा, अगर देखो एल्फा एक्स और माइनस बीटा एक्स होगा इधर, तो मैंने क्या किया, एक्स को कॉमन ले लिया कि दोनों के पास एक्स था, ये किया मैंने इधर, ठीक है, और एल्फा बी तो था ही, मतलब मैंने इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई किया, और जो कॉमन निकल रहा था उसको मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है, उसको मैंने कॉमन ले लिया है, एल्फा बीटा में क्या कॉमन निकल रहा था, एक्स कॉमन निकल रहा था, तो मैंने उसे कॉमन ले लिया, ठीक है। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट स्टेप है
के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा एक्स, या फिर के एक्स लिख सकते हो प्लस एल्फा बीटा। अब क्या करेंगे देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, थोड़ा टिपिकल है, इस चीज को समझ रहा हूँ क्योंकि नई चीज है अल्फा बीटा अपने पास में, ये टॉपिक ही नया है जीरोस वाला। तो देखो अब हम पावर्स को इक्वेट करेंगे, पावर्स को इक्वेट करने का मतलब क्या है, जिसके पास एक्स स्क्वायर है उसको इक्वल कर देंगे, जिसके पास एक्स है उसको इक्वेट कर देंगे, इस तरह से करेंगे पावर्स को इक्वेट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा देखो, एक्स से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी ए, के की वैल्यू आ जाएगी ए, इतना समझ में आया। उसके बाद में माइनस के एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बी, क्योंकि हम वेरिएबल ये नहीं लेंगे, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगी माइनस के एल्फा प्लस बीटा किसकी वैल्यू होगी बी की, इतना समझ में आया। और के इधर देखो, सी की वैल्यू क्या होगी अल्फा के अल्फा बीटा, इधर मैंने मल्टीप्लाई करना भूल गई थी, इधर के अल्फा बीटा होगी सी की वैल्यू, के अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा, तो ये ए बी सी की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू आ गई के, बी की वैल्यू है माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और सी की वैल्यू है के अल्फा बीटा। जब इनने हमने इस चीज को फॉर्मुलाइज किया तो क्या वैल्यू निकली हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू निकली माइनस बी अपॉन ए। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम वो सॉल्व करने वाला टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी आप खुद सॉल्व करके देखना इसको। जब आप अल्फा प्लस बीटा करेंगे और अल्फा इंटू बीटा करेंगे, मैं बता देती हूँ कैसे, जब आप अल्फा बीटा को प्लस करेंगे और अल्फा इंटू बीटा करेंगे, यानी कि मान लो आप माइनस बी अपॉन ए या फिर सी अपॉन ए किया, तो इसकी वैल्यू क्या आई अल्फा प्लस बीटा, और इसकी क्या आई वैल्यू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए की क्या वैल्यू आई अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की जो वैल्यू है वो, और अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आई जो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये काफी डिफिकल्ट है, ये जो हमारा ये वाला टॉपिक है डिफिकल्ट इन द सेंस की इसकी ये आपको नेसेसरी नहीं कि आप इस चीज को पूरा याद रखो, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए था, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए है कि ये क्या होता है। तो अगर आगे जो हमारे काम आएगा वो ये चीजें, सिर्फ इससे पहले जो हमने किया वो हमें वापस रिपीट नहीं करना है, हमारे काम की सिर्फ ये चीज थी, मुझे ये आपको ड्राइव करके दिखाना था तो मैंने इसलिए ये सारा आपको ये दिखाया था, क्योंकि तो हमारा कोई इतना कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ इसको समझना इम्पोर्टेंट था कि ये किस चीज से डिराइव हुआ है। तो हमारे जीरोस किस तरह से निकलेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा करके हमारी माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए वैल्यू हमारे इस तरह से सॉल्व होगा। इसमें माइनस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी तो उसमें हमें जब जीरोस निकालने होंगे ना, जीरोस निकालने होंगे तो हम किस तरह से निकाल लेंगे, माइनस बी अपॉन ए इस तरह से निकालेंगे, मैं आपको बताऊंगी आगे। तो इधर ए बी सी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये जो नंबर्स आएंगे ए, यहाँ पे ए बी सी क्या हो सकते हैं वन टू थ्री अप टू कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर हो सकता है, माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं। तो अब हम इसी चीज पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जिससे हम इसके जीरोस निकाल सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताती हूँ हम इसे कैसे करेंगे। देखो हमारा पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल 3x² प्लस 5x माइनस 2, यानी कि पहले तो इसके जीरोज निकालने हैं। तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज कैसे निकालते हैं, उसको फैक्टराइज करके निकालते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसको वेरीफाई भी करना है, क्या वेरीफाई करना है, द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरो एंड इट्स कॉफिशियंट, हमें कॉफिशियंट और जीरोज का भी रिलेशनशिप हमें इसमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स निकाल के उसके जीरोज निकाल देंगे, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे कि हम इसके जीरोज इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जीरोज और कॉफिशियंट में एक रिलेशन है। इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक कराया था, जो डेरिवेशन कराई थी मैंने, काफी लंबी, जो काफी लेंदी और कंफ्यूजिंग थी, वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में हम समझ जाएंगे कि उस डेरिवेशन का सेंस क्या था, उसका मतलब क्या था। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे इसकी, ठीक है।
तो क्या इक्वेशन हमारी 3x² प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। हमें ऐसा कोई नंबर चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करने पे 6 आया और माइनस करने पे 5, मल्टीप्लाई करने पे 6 आया और माइनस करने पे 5, तो 6 वन तो 6 होता है और 6 माइनस 1 कितना होता है 5, तो 6 और 1 हो गए हमारे नंबर मिडिल टर्म की जगह पे, तो 6 माइनस 1 हमारे हमने 5 की जगह पे क्या लिख दिया है 6 माइनस 1 3x². अब हम इसको अंदर x को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6x प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको दो दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, इसमें क्या कॉमन है तो 3 कॉमन है और एक x कॉमन है, बचा क्या x प्लस टू बचा। अब इस x प्लस 2 को कॉपी कर दो, x प्लस 2 ऐसा कौन सा नंबर चाहिए हमें जिसे मल्टीप्लाई करने पे वापस से आ जाए, तो ये माइनस 1 होगा, माइनस 1 को अगर आप इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 2 से तो क्या आ जाएगा मेरे पास में माइनस एक्स माइनस 2, मल्टीप्लाई करके देख लेना चेक कर लेना। अब क्या करेंगे इसमें फिर से कॉमन लो इसमें से और इसमें से, क्या कॉमन है मतलब ये पूरे का क्या कॉमन है इनमें, x माइनस 2 कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 2 और 3x माइनस 1। तो यहीं पे हमने क्या करना था कि लेफ्ट ये fx है हमारा, ये हमारा fx है, fx इक्वल्स टू मतलब हम पॉलिनोमियल को इस तरह से शो करते हैं, fx इक्वल्स टू करके शो करते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो अब क्या करेंगे लेफ्ट f ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो ये सारी चीजें भी इक्वल टू 0 होंगी, ये सारी चीजें भी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0। तो अब इस चीज को ध्यान से देखना, एक बार ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये बचेगा, जब ये पूरी टर्म 0 से डिवाइड हो जाएगी, सॉरी डिवाइड हो जाएगी तो ये 0 आ जाएगा। और एक बार क्या होगा ये वाला अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इस चीज को ध्यान से समझना, 3x माइनस 1 वाला तो हो गया, अब एक बार ये वाला डिवाइड होगा 0 से तो क्या आएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी इस साइड में 1/3, इस साइड में 1/3 आ जाएगी और इस साइड में x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, सो माइनस 2 एंड 1/3 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, हमें क्या गिवन था ये वाला पॉलिनोमियल गिवन था ना, तो गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। हमने पहला चीज कर दी है, हमने तो जीरोस फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स, ठीक है, यानी कि हम इसमें प्रूव करेंगे कि यही जीरोज आ रहे हैं, एक तरह से हम ये प्रूव कर रहे हैं कि क्या जीरोज है, माइनस 2 और 1/3 क्या है, इसके जीरोज आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे आप देखिए, अब मैंने जो ये बोर्ड पे मेंशन किया है इस चीज को ध्यान से समझना, मैंने जो रिलेशनशिप में लास्ट में बोला था कि यही काम आएगा इसमें, वो मैंने अभी मेंशन किया है। देखो सम ऑफ जीरोस, उन जीरोस का सम क्या होगा, वो जीरो हम क्या मान लेंगे कि एक जीरो क्या है, एक जीरो की क्या वैल्यू है अल्फा, दूसरे जीरो की क्या वैल्यू है बीटा, एक जीरो क्या है अल्फा, दूसरा जीरो क्या है बीटा, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा बी अपॉन ए, अगर आप करोगे तो सम ऑफ जीरो आ जाएगा, सी अपॉन ए करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ जाएगा। इस चीज को नोट करो तभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है हमें, क्या आ गई थी हमारे पास इक्वेशन, क्या आ गई थी ये सब था हमारे पास, चलो ठीक है, इक्वेशन क्या थी हमारी, मैं इधर लिख देती हूँ इक्वेशन, 3x² प्लस 5x माइनस 2, 5x माइनस 2। अब मैं इस इक्वेशन में अगर मैं लिखूंगी एबीसीडी क्या है, तो इधर क्या है हमारा हेयर ए इक्वल्स टू क्या है ए, अगर मैं इस फॉर्मेट में देखू ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में देखू तो क्या है इधर ए 3 है हमारा, 3 प्लस का 3, और b कितना है 5, c कितना है माइनस 2, इस चीज को ध्यान देना 2 नहीं है माइनस 2 है, इसके आगे जो साइन लगेगा उसको भी देखा जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी की ये वैल्यू आ गई है, आया समझ में। अब क्या करेंगे सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, सो व्हाट वर आर जीरोस, जीरोस क्या थे हमारे, एक तो 1/3 था और एक था माइनस 2, तो अल्फा क्या है हमारा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अल्फा हमने मान लिया 1/3 और बीटा क्या मान लिया
बीटा, बीटा मान लिया हमारा जो जीरो आया था माइनस टू, जीरो आया था स्टार्टिंग में जीरो निकाला था वो, तो प्लस माइनस टू ऐसे हम लेके सॉल्व करेंगे क्या आएगा, बीच में माइनस आ जाएगा तो कितना हो जाएगा वन माइनस, चलो ऐसे कर लेते हैं, देखो इधर लिख देती हूँ मैं, इधर लिख देती हूँ, वन अपॉन थ्री प्लस माइनस माइनस, थ्री एलसीएम आ गया, वन कैरी, इधर क्या आएगा सिक्स, थ्री टू सिक्स, ठीक है कितना आ गया माइनस फाइव अपॉन थ्री, माइनस फाइव अपॉन थ्री। अब मैं क्या करूंगी, माइनस डी अपॉन ए वाला चीज को सॉल्व करूंगी ना, सबसे पहले चीज हमने ये की, सेकंड चीज से करेंगे माइनस डी अपॉन ए, पहले ये सॉल्व करेंगे सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो से साथ क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से साथ क्या होगा सी अपॉन ए, ध्यान रखना। तो माइनस बी क्या है इधर, बी क्या है फाइव, तो फाइव के आगे माइनस लगा दिया मैंने क्योंकि माइनस बी लिखा है, तो फाइव के आगे माइनस लगा दिया अपॉन ए, ए क्या है थ्री। अब एक चीज देखो आप, माइनस बी अपॉन ए और सम ऑफ जीरो सेम आ रहे हैं, माइनस फाइव अपॉन थ्री, माइनस फाइव अपॉन थ्री, ठीक है यही सेम चीज हमें प्रोडक्ट वाले केस के साथ करनी है, यही सेम चीज प्रोडक्ट वाले केस के साथ करनी है। तो हम ये वेरीफाई कर देंगे कि ये जीरोज और कोफिशियंट के बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप है, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, सम ऑफ जीरोज और माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी बी अपॉन ए क्या है यहाँ पे, बी और ए क्या है कॉफिशियंट है, कॉफिशियंट किसके हैं एक्स स्क्वायर और एक्स के, ठीक है। तो इनमें रिलेशनशिप आ रहा है, तो यही था टॉपिक के नाम, टॉपिक का नाम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशियंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो अब हम क्या करेंगे, हमने सम ऑफ जीरोज का कर लिया, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो मैं सम वाला मिटा रही चीज, सम वाली मैं ये चीज मिटा रही हूं, ठीक है। प्रोडक्ट इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू, ये इक्वेशन थी। चलो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, मैं प्रोडक्ट लिख रही हूँ सिंपली, प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस टू, तो कितना आ जाएगा माइनस टू अपॉन थ्री, ये तो अपना आ गया प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं सी अपॉन ए निकालते हैं, ये सब हम किस लिए कर रहे हैं, वेरीफाई करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो सी अपॉन ए करके निकालेंगे तो सी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस टू, और ए की वैल्यू क्या है थ्री, तो आप देख सकते हो सामने है प्रोडक्ट की क्या वैल्यू आ गई माइनस टू अपॉन थ्री, और सी अपॉन ए क्या है माइनस टू अपॉन थ्री, तो हैंस वेरीफाई, हमने क्या वेरीफाई कर दिया कि हमारे कॉफिशेंट और जो जीरोज है उनके बीच में कोई रिलेशन है, यानी कि वो इक्वल है, ठीक है। हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो करके अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा करके हमने सी अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए करके हमने रिलेशनशिप बताया है जीरोज के बीच में, ठीक है। तो इसी चीज पे सारे हमारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं जिनमें हमें सम निकालना होता है, और हमें किसी क्वेश्चन को भी होगा कि बस जीरोज दे रखे होंगे तो उससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो ये सारी चीजें इस तरह से होती है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू हैव लाइक इट।